इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत नई सड़कों पर फिर से डामरीकरण किया जा रहा है, लेकिन निगम द्वारा शहर के प्रसिद्ध दूध तलाई पिछोला झील से जलबुर्ज जाने वाले मार्ग के सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दूध तलाई से जलबुर्ज जाने वाला मार्ग की स्थिति काफी दयनीय है, लेकिन निगम द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार सड़क टूट रही है और यहाँ पर पहाड़ी से आने वाला पानी भी भरा रहता है और कई बार हादसे भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसा नहीं है कि नगर निगम की सभी 70 खेवनहार भी इस मार्ग से ना गुजरे हों, लेकिन किसी ने इस मार्ग को ठीक करवाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि यहाँ कोई वोटर नहीं तो विकास का क्या मतलब। जबकि जलबुर्ज पर प्राचीन हनुमान मंदिर है और आए दिन यहाँ कई धार्मिक आयोजन होते हैं, साथ ही आर्मी की छावनी, वन विभाग का जंगल, सफारी पार्क और आई लव उदयपुर पार्क के साथ सिसारमा गांव जाने का भी रास्ता है। इस मार्ग पर उदयपुर के पांच सितारा होटलों की भी जेठियां हैं और इन जेठियों पर पहाड़ी से आने वाला पानी पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी होटल संचालक अभी तक निगम के भरोसे बैठे हैं और सड़क की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अगर वे चाहें तो इस मार्ग को दुरुस्त करवा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं जेठियों से शहर में आने वाले VVIP लोग होटलों में प्रवेश करते हैं। इस मसले को लेकर देखिए उदयपुर न्यूज के सहयोगी मयूर जोशी की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जलबुर्ज मार्ग पर। जी हाँ, जलबुर्ज मार्ग जो शहर के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख मार्ग है। यहाँ पर शहर की कई 5 सितारा 7 सितारा होटल इसी मार्ग पर स्थित है और शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर कई जो पर्यटक हैं इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं और इस मार्ग की हालत आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा पीछे की तरफ, ये पूरा पानी भरा हुआ है, दिखा है यहाँ पर UIT सोया हुआ है। UIT का प्रशासन बिल्कुल सुस्त हो चुका है। विगत 6 महीने से यहाँ पर लोगों के द्वारा रोज यहाँ परेशानी झेली जा रही है। कुछ तमाम ये लोग यहाँ से गुजरना चाह रहे हैं, इनकी साइकिल तक यहाँ पर फंस रही है। आप ये दृश्य लाइव देख सकते हैं। प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि लोग काफी परेशान है। यहाँ पर एक तरफ हम विश्व रैंकिंग में ऊपर आने की बात कर रहे हैं, अव्वल आने की बात कर रहे हैं। पर्यटक की दृष्टि से उदयपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरे भारत के अंदर, और इस तरह की सड़कों का यहाँ पर होना पूरे शहर की छवि को धूमिल करता है। तो UIT के तमाम अधिकारियों से अवगत कराना चाहूंगा कि एक बार इस मार्ग की सुध जरूर ले, चूंकि प्रशासन बिल्कुल बेखबर है। यहाँ पर रोज लोग कितना परेशान हो रहे हैं, आए दिन लोग यहाँ पर गिर जाते हैं, उनकी सुध आप जरूर ले। पर्यटन यहाँ पर आते हैं और रोडों की इस तरह की दुर्दशा है और रोजमर्रा आप यहाँ पर आते हैं, मंदिर की देखरेख भी करते हैं, क्या कहेंगे? मेरे को काफी वर्ष हो गए यहाँ आते थे, 6 महीने से। तो सबसे पहले तो ये रोड लीला की चिट्ठी के बाहर खराब है, आए दिन इसमें देखा जाए तो स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह, टीचर वगैरह भी बहुत से नई से वगैरह से यहाँ से आते हैं, वो भी कितनी बार गिर चुके हैं, हमने आंखों से देखा, हम भी खुद कितनी बार गिर चुके हैं। और UIT को भी पहले हमने इस पे बोला था, सबको मीडिया में भी पहले बोला था हमने, इस पे कोई ध्यान देवे प्रशासन, तो अभी तक नहीं। अभी आपने देखा होगा UIT के लिए अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छा कार्य क्या हो रहा है, हमेशा कार्य नहीं चाहिए। आप देखिए अभी भी हालत देख लीजिए, इस मंदिर को अभी धुलाया हमने 5 दिन पहले ही, इतना इतनी मिट्टी जम गई है। आज भी आप आगे जाके देखिए मेन लीला की जेटी, जिसके बाहर मेन पर्यटक लोग जो बाहर से आते हैं, बड़े बड़े टूरिस्ट आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं, बड़े बड़े सही शादियां होती है, वहां पानी भरा रहा है। सबसे बड़ी बात इधर लेमन टी, बड़ी बड़ी होटल, ताज हरी का रास्ता है, पर्यटक विभाग कहते हैं, पर्यटक रोड कहते हैं इसको, मुझे ये नहीं लगता ये पर्यटक रोड है। इसमें आप खुद देख सकते हैं, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाके देखिए पहले। और मैं तो ये कहता हूँ प्रशासन जाके इस पे, क्यों 6 महीने से इस रोड की बिल्कुल ही दशा, बिल्कुल ही ध्यान नहीं है प्रशासन का। जो भी है, चाहे UIT हो चाहे नगर परिषद हो, इस पे ध्यान देवे, नहीं तो चाहे जैसे ही रहने दीजिए। ये मंदिर की हालत आप देख लीजिए, पब्लिक का धूल है, धूल में भर भर के आदमी जा रहा है यहाँ से, और खुद आप स्वयं देखिए आप जाके। सबसे पहले मैं तो प्रशासन से यही चाहता हूँ इस पे ध्यान दे और तुरंत ध्यान दे, ताकि कोई हादसा ना हो इससे बड़ा। टोरेन वर्ल्ड स्कूल,
प्ले ग्रुप, नर्सरी से कक्षा पांचवी तक CBSE कोर्स, एडमिशन ओपन, मल्टी मॉडल लर्निंग, पियर्सन पाठ्यक्रम, NEP और NCA, उच्च योग्यता और अनुभवी शिक्षक स्टाफ, कम फीस शुल्क संरचना जो सभी लोगों के लिए आसानी से प्रबंधन की जा सकती है, घर जैसा माहौल, स्वच्छता और सुरक्षा का पूरा ध्यान, CCTV कैमरे और स्मार्ट क्लासेस, आपके अपने क्षेत्र में गुणवत्ता और स्वच्छता से परिपूर्ण विद्यालय, बच्चों को मात्र शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा के साथ साथ बालक को सर्वांगीण विकास भी दे रहा है, जैसे व्यायाम, म्यूजिक, डांस, कराटे, आर्ट एंड क्राफ्ट, परिवहन सुविधा, डिजिटल मीडिया के माध्यम से दैनिक अपडेट भी प्रदान कराते हैं। टोरेन वर्ल्ड स्कूल, 201 सी ब्लॉक, हिरण मगरी, सेक्टर 9, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9587290784।